भारतीय जैन संगठन 1985 में स्थापित की हुई एक नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपदा प्रबंधन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य ये है कि भारतीय जैन संगठन पिछले 29 सालों से 29 ईयर्स से डॉक्टर शरद कुमार जी दीक्षित जो अमेरिका से आते थे उनके सहयोग से और उनके साथ से पूरे देश भर में प्लास्टिक सर्जरी का कैंप आयोजित कर रहा है पिछले 29 साल से निशुल्क। अभी तक 270,000 लोगों का निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन अमेरिका से आने वाली हमारी ये प्लास्टिक सर्जन्स की टीम के माध्यम से किया जा चुका है। और उसी क्रम में दिल्ली भारतीय जैन संगठन की तरफ से कल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और भारतीय जैन संगठन मिलकर द्वारका सेक्टर 1 में 3 दिन का ये निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैंप दिल्ली वासियों के लिए लगा रही है। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति तक हम ये संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि विकृत अवस्था में चेहरे की विकृत अवस्था, कटे फटे होठ हो, चेहरे पर स्कार हो, नाक कटे फटे हो, होठ कटे फटे हो, कान कटे फटे हो और किसी प्रकार के चेहरे पर जो विकृतियां हैं, अमेरिका से हमारी डॉक्टर्स की टीम, 5 डॉक्टर्स की टीम कल आ रही है। डॉक्टर बैरी और डॉक्टर हमारे लहरी की टीम है, वो 5 जन यहाँ पर आ रहे हैं और 3 दिन तक यहाँ पर रहने वाले हैं। उन डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से हम पूरे दिल्ली वासियों के या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से गरीब लोग जो भी आए जिनको ये चेहरे का ऑपरेशंस कराने की ज़रूरत है, बेसिकली जो नवजात बच्चे होते हैं जो दूध नहीं पी सकते हैं माँ का, उनके होठ कटे फटे हों तो उनका ऑपरेशंस ये निशुल्क भारतीय जैन संगठन दिल्ली की टीम के माध्यम से किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करा सकते हैं आप तक पहुँचने के लिए? हेल्पलाइन नंबर है, मैं हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी से निवेदन करूंगा कि हेल्पलाइन का नंबर बताएं। 9024333322 9024333322 पे आप मिस कॉल करें और आपका रजिस्ट्रेशन उसमें हो जाएगा। और अगर रजिस्ट्रेशन ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचकर जो भी पेशेंट है वो वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। कितने लोग नहीं, कोई किसी भी किस्म का कोई चार्ज नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क है। लेकिन पेशेंट के लिए एक बार जरूर कहा जाए कि वो खाली पेट आए। पिछले साल भी हमने 9 जनवरी को मुनि मायाराम हॉस्पिटल प्रीतमपुरा में ये कैंप लगाया था, उस समय 2 दिन का कैंप था और उस समय 4 डॉक्टर आए थे। उस समय हमने 101 ऑपरेशन 2 दिनों में किए थे। इस बार हमारा टारगेट 200 से 250 ऑपरेशनों का है क्योंकि डॉक्टर भी इस बार 5 से 6 हैं और 3 दिनों का ये कैंप है। तो आपके माध्यम से हम दिल्ली तक पीड़ित लोग जो हैं वैसे लोगों तक आप पहुंच बनाना चाहते हैं ताकि गरीब व्यक्ति यहां पहुंचे और अपना ऑपरेशन निःशुल्क करवाए। निकले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं वो न्यूज, तो ये आपसे निवेदन है। अभी पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं देश में एक विशेष प्रकार की समस्या का सामना विशेष तौर से महिलाओं को करना पड़ रहा है, वो है कुछ लोगों द्वारा, चंद समाज के विपरीत काम करने वाले लोगों द्वारा बेटियों के चेहरे पर एसिड अटैक किया जा रहा है। वो एसिड अटैक से पीड़ित बेटियां भी कल आकर अमेरिका के डॉक्टर से अपना राय ले सकती है और भारतीय जैन संगठन दिल्ली अपनी पूरी कोशिश करेगा कि एसिड पीड़ित अटैक से पीड़ित उन बेटियों का हम किस तरीके से प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से निःशुल्क ये वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत गहरी होती जा रही है समस्या और भारतीय जैन संगठन दिल्ली प्रदेश इसके लिए अपनी पूरी सजगता के साथ इस काम को करने के लिए आगे आएगा। बहुत बहुत और लड़कियों की समस्याओं को लेकर भी जो है स्मार्ट गर्ल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर लेंगे।